कराची साइट के इलाके में गारमेंट्स की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। केमिकल, कपड़ा, नायलॉन और पॉलिएस्टर के थैलों को आग लगी तो देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग बुझाने के लिए फैक्ट्री का बंद दरवाजा बुलडोजर से तोड़ा गया। आसमान से बातें करते आग के शोलों और धुएं के काले बादलों ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाईस इलाके में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। इत्तला मिलने पर पहले 10 गाड़ियों को रवाना किया गया, लेकिन आग की शिद्दत बढ़ते ही शहर भर के तमाम फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। तीनों डिस्ट्रिक्ट से, हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से पूरी फायर ब्रिगेड की अमला यहाँ पर मौजूद है और हम देख रहे हैं मुसलसल, आप देख रहे हैं मुसलसल गाड़ियाँ आ रही हैं और इस आग को काबू पा रहे। तीसरे दर्जे की आग है, 17 गाड़ियाँ काम कर रही हैं, 3 तरफ से कंटेन कर दिया है, ऊपर भी छत से काम कर रहे हैं, पीछे से काम कर रहे हैं, आपके सामने लाइनें लगी हुई हैं। फैक्ट्री के अंदर मौजूद मुलाजमीन, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, झुलस कर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैक्ट्री के बाहर लोगों की जमा बड़ी तादाद मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। आग इतनी शदीद थी कि धुएं के बादल कई मील दूर से नजर आ रहे थे।